5C मेथड जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ उस पर हम काम करेंगे, तो हम बहुत आसानी से आइडेंटिफाई भी कर लेंगे कि कौन सा क्लाइंट कब डील, कैसे डील, कितनी डील करेगा भी या नहीं करेगा या रेफर कर देगा किसी और। 5C मेथड स्टैंड्स फॉर नंबर 1 कनेक्ट, कम्युनिकेट, कन्वे, कन्वेंस एंड क्लोज। अगर हम इन 5 स्टेप्स को फॉलो करते हैं तो हमारा रेशियो ऑफ मैच्योरिटी कई गुना ज़्यादा होगा। सबसे पहली बात, जब तक आप किसी व्यक्ति के साथ कनेक्टिविटी नहीं जोड़ेंगे, मतलब उसको ऐसा फील नहीं होगा कि ही इज़ अ राइट पर्सन टू वूम आई कैन टॉक ईच एंड एवरीथिंग, मैं अपनी अपनी सारी प्रॉब्लम, सारे सीक्रेट इस व्यक्ति को बता सकता हूँ या नहीं। कनेक्ट होना बड़ा इंपॉर्टेंट है। कई बार क्या होता है कि एक ही ग्रुप में बहुत सारे लोग होते हैं लेकिन सब एक दूसरे कनेक्ट नहीं है, लेकिन कुछ लोग ऐसे होंगे जो आपसे कनेक्ट होंगे, जिनके बारे में आप बहुत कुछ जानते हैं, जिनके साथ आप घूमते जाते हैं, जिनके साथ आप ट्रैवल भी करते हैं, जिनके साथ आप पार्टीज भी करते हैं, लेकिन क्या सबके साथ करते हैं? मतलब आपकी कनेक्टिविटी किसी से क्लोज होगी, किसी से डिस्टेंस होगा ज़्यादा, किसी से ऑफिशियल होगा, किसी से प्रोफेशनल होगा, किसी से नॉर्मल फ्रेंड की तरह होगा, किसी से क्लोज फ्रेंड की तरह होगा, किसी से फैमिली फ्रेंड्स बन जाते हैं कुछ लोग। कनेक्ट होना बड़ा इंपॉर्टेंट है। और कनेक्टिविटी कब आती है? जब सामने वाले व्यक्ति की प्रॉब्लम को आप समझते हैं। नेम दुनिया की सबसे प्यारी चीज़ किसी व्यक्ति के लिए उसका नाम है, और अगर आप उसके नाम को कोरिलेट करना समझ जाए, सीख जाए इस टेक्निक को, तो आपकी कनेक्टिविटी बहुत स्ट्रांग हो जाती है। सेकंड, कम्युनिकेट। प्रॉब्लम क्या है? कुछ लोग कनेक्टिविटी को ही कम्युनिकेशन समझते हैं। कम्युनिकेशन एंड कनेक्टिविटी बोथ आर क्वाइट डिफरेंट। कनेक्टिविटी मतलब ही इज रेडी टू टेल यू ईच एंड एवरीथिंग, लेकिन कम्युनिकेशन का मतलब है कि आप बातों को समझ रहे हैं और समझा रहे हैं, उसकी सारी बात वन वे एंड टू वे ट्रांसफर हो रही है। जो वो कह रहा है वो आप समझ रहे हैं, जो वो समझाना चाह रहा है वो आपको समझ में आ रहा है। इट्स अ टू वे कम्युनिकेशन। फाइन, कम्युनिकेशन स्टैंड्स फॉर टू वे, दोनों तरफ। जितना अच्छे से वो समझा पा रहे हैं उतने अच्छे से आप समझ पा रहे हैं। एंड द नेक्स्ट, कन्वे, मतलब वो अपनी पूरी की पूरी कहानी, पूरी की पूरी बात आपके सामने रख दे, कन्वे कर दे आपको, उसको ऐसा लगे कि मैंने अपने दिल की सारी बात आपको बोल दी और ये समझ में आए कि गुड कम्युनिकेशन के साथ बोली। द नेक्स्ट, कन्वेंस। अब आपकी जरूरत यहां से शुरू होती है। आपका काम है पहले कनेक्टिविटी को स्ट्रांग बनाना, और वो संभव होता है पर्सन टू पर्सन बात करने के तरीके से। इज दैट फाइन? फिर उससे संबंधित जो बात वो कहना चाहता है वो आपको कम्युनिकेट कर दे, आप उस बात से कन्वे, उसको लगे मैंने उनको कन्वे कर दिया पूरा अपना मैसेज। फाइन, अब यहां पर है आपके हाथ में लीड, उसको कन्वेंस करना। जब आपने सारी प्रॉब्लम को सुन लिया और समझ लिया, अब जरूरत है कि आप उसको कन्वेंस करें, चाहे तो उस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के लिए, चाहे उस पैकेज के लिए, चाहे उस डील के लिए, चाहे उस सर्विस प्रोवाइडिंग के लिए, चाहे उस सर्विस को सेलिंग के लिए। आप कन्वेंस करें कि आप उसके लिए क्या कर सकते हैं मच बेटर, या हमारी ऑर्गेनाइजेशन उसके लिए क्या कर सकती है। जब वो एक बार कन्वेंस हो जाए अच्छे से, तब आप डील को क्लोज कर पाएंगे। विदाउट कन्विंसिंग नो वन कैन क्लोज द डील। और ये क्लोजिंग, कई बार क्या होता है जब हम बात करते हैं तो हमारा पूरा प्रयास रहता है पहले अपनी कहानी बोल दूँ, पहले अपना पैकेज बता दूँ, पहले अपनी बात सामने रख दूँ, पहले अपना प्रोडक्ट बता दूँ, अपनी सर्विसेज बता दूँ। नहीं, पहले उसकी सारी चीज़ों को सुनो और समझो। आपकी तरफ से कुछ सपोर्ट, आपकी तरफ से कुछ मॉरल सपोर्ट, साइकोलॉजिकल सपोर्ट, वो प्रोवाइड करो जहाँ उसको लगे कि ये राइट व्यक्ति है मुझसे बात करने के लिए, और अब आगे का सोल्यूशन चाहिए तो उसका ये सोल्यूशन। ये है मेरा नया दोस्त जो मुझे लेटेस्ट ज्वेलरीज की शॉपिंग करवाता है, और मेरा ही नहीं हम सबका नया दोस्त माय आभूषण ऐप। अब आपके विश्वसनीय ज्वेलर आपके मोबाइल में प्योरिटी की श्योरिटी विद बेस्ट प्राइसेस एंड बेस्ट ऑफर्स। अभी डाउनलोड करें ऐप माय आभूषण।